विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले के माटी केलान ने एक बार फिर देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद फौजी का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी पहुंचा, जहां नम आंखों से लोगों ने अपने लाल को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए गांव में भारी भीड़ देखी गई। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमरी निवासी अरुण मिश्रा, उम्र 47 वर्ष, जो आर्मी में मेरठ रेजिमेंट में तैनात थे, ड्यूटी के दौरान अचानक हृदय गति रुक जाने से उनका दुखद निधन हो गया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर आर्मी वाहन के माध्यम से ग्राम पंचायत उमरी लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है, लोग गमगीन हैं। दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और राजकीय सम्मान के साथ किया गया। परिजनों ने बताया कि वे लगभग 2 माह पहले घर आए थे और छुट्टी बिताने के बाद वापस चले गए थे। बताया गया कि वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 2 पुत्र हैं जो गांव में ही रहकर पढ़ाई करते हैं। विंध्य के रीवा जिले के उमरी गांव के माटी के लाल अरुण मिश्रा के शहीद होने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैली, जिसके बाद पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा और चारों ओर देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का लाल असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। वीर सपूत को देखने हजारों लोग सिरमौर क्षेत्र के उमरी गांव पहुंचे, जहां भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए रैली निकाली गई। शहादत के बाद गांव में गमगीन माहौल देखकर आम आदमी से लेकर खास तक की आंखें नम हो गई। कई ग्रामीणों ने जवानी से बचपन का किस्सा शेयर किया। बारी बारी से जिला प्रशासन के आला अफसर, जनप्रतिनिधिगण व ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों का काफिला शमशान स्थल तक पहुंचा। रास्ते में अरुण मिश्रा अमर रहे के नारे लगते रहे। सेना के अफसरों ने सैनिक सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अफसरों की माने तो अरुण कुमार मिश्रा मराठा रेजिमेंट में तैनात रहे। उनके 2 बेटे हैं, भरा पूरा परिवार गाँव में रहता है। पिता की शहादत से दोनों बेटे अकेले हो गए हैं। बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। हिंदू रीति रिवाजों के साथ गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। प्रस्तुत है एक झलक।